अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेमीज फैमिली। आज का जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ये रौनक का शादी का व्लॉग है, तो आप लोग भी देखिए एंड एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। ये हल्दी का जो रूल्स है, दूल्हा हो या दुल्हन हो सबको मानना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए रौनक को हल्दी लगाया जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है। प्रिपेयर करना था उसका शादी के लिए, बिकॉज उन लोगों के हिसाब से उन लोगों का जब शादी हो जाएगा उसके बाद ही केक कट होगा और चर्च में होगा। और सब शादी के लिए निकल गए थे। जिदान के पापा को एक्चुअली जाना था बट नहीं गए बिकॉज काम आ गया था। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, मतलब रौनक के शादी के बाद वाला दिन का। हम लोग सब मिलकर जा रहे थे रिसेप्शन में। शादी वाले दिन अटेंड करना पॉसिबल नहीं हुआ था जिदान के पापा के लिए, बट अब भी हम लोग देखिए रेडी होके निकल गए। और जिदान के पापा जैसे ही डोर लॉक करेंगे हम लोग निकल जाएंगे। और रिसेप्शन पार्टी घर के पास ही हो रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। इजान को देखिए वो गिफ्ट लेकर जाएगा और उसी को देना है। और लास्ट में आखिर तक रौनक को गिफ्ट इजान ही दिया। ये रहा रौनक का, देखिए रौनक वेट्स डॉली। एक्चुअली लेना भूल गए थे तो इसीलिए सोचिए अभी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते। तो यहाँ पर जिदान के पापा मेरा वेट कर रहे थे और जैसे ही हम लोग देखिए पीछे के रास्ते से निकले जहाँ पर मेरा शॉप है। ये शॉर्टकट रास्ता है मेरे घर से, मतलब 2 मिनट से। अगर हम लोग रोड से भी जाएंगे 5 मिनट्स लगेगा या 4 मिनट्स लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग शॉर्टकट रास्ता यूज़ करते हैं हमेशा मैदान में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए और आने के बाद फोटोग्राफी करना स्टार्ट हो गया है और बच्चों से स्टार्ट किए और जिससे भी मिल रहे हैं सलाम। और हर एक तरफ देखिए नॉन पर्सन से भरे हुए हैं, मतलब मेरे आसपास में ऐसा लग रहा है कि हम लोग घर पर ही है, घर के आसपास ही बैठे हुए हैं। एरिया का शादी ऐसा ही होता है, मतलब ऑकवर्ड फील नहीं होता है। फिर हम लोग देखिए आगे बढ़ गए और यहाँ पर जिदान के पापा बोले, ऐसे ही हम लोग लेट से आए, हम लोग करीब आए 10:30 के बाद, तो इसीलिए जिदान के पापा बोले पहले हम लोग गिफ्ट दे देते हैं एंड देन उसके बाद मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए अब मेरे नंद भाई सब मिल गया। हमद को देखिए वो किस तरीके से वो देख रहा है। अब हम लोग देखिए स्टेज की तरफ जाएंगे, तो जिदान के पापा से बोल रहे थे यहाँ पर स्टेज में कंटिन्यूसली कोई ना कोई है तो हम लोग बाद में चलते। तो जिदान के पापा बोले ऑब्वियसली उन लोग का शादी हो रहा है तो उन लोग बिजी रहेंगे और हम लोग वेट भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर जिदान के पापा की बात पे देखिए चले गए हम लोग स्टेज में। और स्टेज में माशाल्लाह दुल्हन काफी अच्छी लग रही थी और रौनक भी चेंज लग रहा था, ऐसे हमेशा वो नॉर्मल रहता है बट अभी शादी के टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा तो चेंजेस आए गई। तो यहाँ पर मेरी नंद देखिए खड़ी होकर थी। इतना क्राउड में भी फाइनली हम लोग स्टेज तक पहुंच गए और इजान देखिए रौनक को गिफ्ट दे रहा है, मतलब दुल्हन को देना चाहिए बट इजान दे रहा है रौनक को। तो हम लोग अभी थोड़ा सा फोटोग्राफी कर रहे थे और रौनक कोशिश कर रहा था इंट्रोड्यूस करवाने का, बट पहले जो रूल्स होता है दूल्हा दुल्हन के साथ एक फोटो तो एक्चुअली जरूरी होता है। तो फोटो लेने के बाद ही फिर हम लोग कुछ देर तक बात करके हम लोग नीचे उतर गए, बिकॉज दूल्हा दुल्हन के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम होता है और इस टाइम को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। दुल्हन तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आपको अगर मेरे व्लॉग में एक सेकंड के लिए भी कोई भी पोर्शन में अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे हम लोग कहीं भी जाते हम लोग का बात तो खत्म होता है नहीं है, सबके साथ हम लोग स्टार्ट हो जाते। फिर हम लोग नीचे उतर गए और यहाँ पर अर्श और रुमान अशफा सब कोई बिजी थे। अशफा बिजी थी फोटोग्राफी करने में। फिर हम लोग वन बाई वन उतर गए। यहाँ पर दादी देखिए वो फिश कटलेट खा रही थी और साथ ही साथ मुझे भी खिला रही थी। देखिए यही होता है केयरिंग। और माशाल्लाह सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से मानते भी है और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर तक आराम से सेट होकर बैठेंगे। तो मेरी नंद बैठी, देखिए नंद की बहू आयजा हमदू सब कोई बैठ गए थे। यहाँ पर इजान देखिए कोई चीज़ के लिए डिमांड करने स्टार्ट कर दिया और इजान इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, उसको खाना पीना कुछ नहीं खाना है, बस उसको आइसक्रीम चाहिए होता है। लास्ट में हम लोग को मानना पड़ा, इजान का तबीयत खराब है बट जिदान के पापा बोले थोड़ा सा खिला दो, कोई बात नहीं अभी उसका मेडिसिन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए टाइम स्पेंड कर रहे थे और बच्चे तो एकदम इस तरह से इधर उधर कर रहे थे जैसे कि अपना घर हो। तो जिदान बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा बोर फील कर रहा था बैठे बैठे, उसको भी चुपचाप बैठे नहीं रहना है, वो एक्चुअली काफी बोर हो रहा था।
तो इसीलिए लास्ट में उसको परमिशन मिला, जाओ तुम भी हर्ष के साथ जाओ और इधर उधर तुम लोग घूमो। तो जिदान निकल गया और जिदान के पापा कुछ ऑफर किए, बट जिदान को खाना ही नहीं था, मतलब वो नहीं खाया, उसको पसंद नहीं आया। जिदान के पापा हाफ प्लेट में देखिए पास्ता, चाउमीन, फिश कटलेट सब एक ही प्लेट में लेकर के आए थे टेस्ट करवाने के लिए, और काफ़ी टेस्टी लगा बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म था। देखिए इतना गर्मी के माहौल में किस तरीके से देखिए धुआं निकल रहा है, तो इसी से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा गर्म था, बट काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी इंजॉय किए हम लोग। हम लोग इसको ट्राई करने के बाद फिर हम लोग सोचे बच्चों को पहले खिला देंगे, बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि जिदान तो खैर बात मान लेता है, जिदान थोड़ा बहुत खा भी लिया बट इजान बिल्कुल भी नहीं खाया, मतलब पूरा दिन वो परेशान करके रख दिया था, उसको आइसक्रीम खाना है, उसको मिठाई खाना है, तो मिठाई खैर थोड़ा सा खाया था लेकिन वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। तो जिदान के पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं छोड़ दो। इजान कोई भी शादी के प्रोग्राम में बिल्कुल भी खाने के मूड में नहीं रहता है, तो इजान को हम लोग कोशिश करते हैं घर से खिला करके ही उसके बाद ही हम लोग कहीं अगर बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम लोग ये सोचते हैं। देखिए शादी का मेन कोर्स इसमें पूरी है और पूरी के साथ मटर पनीर है, साथ ही साथ आलूदम है और एक डेविल था, उसके साथ चटनी था, चटनी मीन्स कासुंदी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कुछ सलाड्स एंड वेज पुलाव, उसके साथ चिली चिकन भी था। बच्चों के लिए जो जो सही लगा वही थोड़ा बहुत लेने की कोशिश किए, बिकॉज बच्चे इतना ग्रेवी आइटम्स ऑब्वियसली खाएंगे नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्राइड राइस ले लिए और साथ ही साथ चिली चिकन भी लिए विदाउट ग्रेवी, बिकॉज बच्चे बिल्कुल भी स्पाइसी खाना पसंद नहीं होता है, बच्चों के लिए तो ले लिए अब, बट बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। जिदान तो खैर थोड़ा सा ही खाया, जितना हो पाता है उससे वो कोशिश करता है, उसके बाद वो खुद ही मना कर देता है और नहीं खाना, लेकिन इजान बिल्कुल भी रेडी नहीं था और जिदान के पापा को लास्टली बुलाना ही पड़ा क्योंकि हो नहीं पा रहा था। यहाँ पर देखिए चुकाई अभी 11 बज रहा है और अपना देखिए नाश्ते का आइटम स्टार्ट किया था चुकाई के हिसाब से, उसके लिए ये नाश्ता है। अब मेन कोर्स कब स्टार्ट करेंगे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर मेन कोर्स पसंद ही नहीं करते, उसको इधर उधर का आइटम ज़्यादा पसंद आता है। सब कुछ अच्छा था उस दिन, बट एक चीज़ अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, दूल्हा दुल्हन प्लस गेस्ट सबके लिए। तो यहाँ पर देखिए सबका डिनर कंप्लीट हो गया था, मेरा और जिदान के पापा को छोड़ करके, और जॉय भी खा रहा था, उसका भी बाकी था क्योंकि बच्चों को खिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बच्चे खाए नहीं, लास्ट में हार मानना ही पड़ा। यहाँ पर देखिए भाभी और उनकी बेटी बैठी हुई थी और हम्बो को शायद कैमरे में आना नहीं था, कुछ में भी प्रॉब्लम होता होगा इसीलिए वो कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। तो इस तरीके से सारा मेरा व्लॉगिंग का काम बहुत सारे मेंबर्स के थ्रू हो रहा था। आज का व्लॉगिंग का कुछ क्लिप्स जाबिर लिया, जिदान के पापा लिए, फिर जॉय की वाइफ वो ली, तो इस तरीके से मेरा सारा व्लॉगिंग का काम कंप्लीट हुआ। इतना रात हो गया, देखिए ना अभी भी कितना ज़्यादा क्राउड है, सब बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहते हैं बिकॉज दिन के टाइम बहुत ज़्यादा धूप रहता है, किसी को घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, और ये इवनिंग के टाइम सब कोई देखिए आराम से बैठे हुए हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, वो इसलिए सबका घर आसपास में ही है। और यहाँ पर कुछ काउंटर्स है, इस बार तो काउंटर्स विजिट करना हुआ ही नहीं क्योंकि जिदान के पापा लेकर के आ रहे थे, बस हम लोग उसी को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए प्रीत मेरा स्टूडेंट, वो तो खाने में बहुत ज़्यादा ही बिजी है, उसका जो वीडियो हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हर एक मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश किए। और यहाँ पर चुकाई को देखिए उसका क्या ओपिनियन है, वो क्या क्या खाया, आप लोग जस्ट सुनिए। क्या खाए? बिरयानी। बिरयानी, वाइट बिरयानी, ओनली वाइट बिरयानी। अच्छा, और बोलिए मीट विदाउट पोटैटो, विदाउट मीट, और पास्ता, पास्ता और बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न और चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस कहाँ से मिला तुमको, चिकन लेग पीस और बिरयानी। अच्छा, वेरी गुड फंक्शन, ओके, वेरी वेल, गुड वेदर, बस बस बस, इनफ इनफ।
इस 2 आवर्स में काफी हम लोग एंजॉय किए, कुछ मेमोरीज गैदर किए, तो इस तरीके से कुछ पिक्स आप लोगों से शेयर करें, आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी न्यू व्लॉग्स में मिलेंगे। और गर्मी का सीजन बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक्सट्रीम बढ़ गया है, तो आप लोग भी संभाल के रहिए और अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफिज़।